हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी हम आपके लिए मैथ क्लासेस लेके आए हैं। यानी इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे सभी, ठीक है। यही उम्मीद करते हैं। चलिए हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग अपना गणित निकाल के अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं गणित में। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक सभी क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे शुरुआत, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, 5, 8, 7 मल्टीप्लाई 9, 9, 9 = 1, ठीक है। देखिए इससे पहले के जो क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चनों में हमें क्या है, 3-3 मल्टीप्लाई करने के लिए दिए जाते थे, लेकिन इसमें सर हमें 2 नंबर ही दिए, 3-3 संख्या दी जाती थी। अब इसमें हमें सिर्फ 1-2 ही नंबर दिए हैं, यानी 1587 दिया, 1999 दिया, तो इसे हमें हल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना नंबर तो गुणा कर नहीं सकते। इसके लिए हम एक आसान से आसान ट्रिक लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं कि ये 999 लिखा है, क्या लिखा है, 999 को हम क्या करेंगे, 1000 - 1 लिख लेंगे, यानी 1000 - 1 लिख लेंगे, ये 999 के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि 1000 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 999 बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम अब आगे करते हैं, गुणा 5, 8, 7, ठीक है, यानी 5, 8, 7 मल्टीप्लाई 1000 - 1, यानी कि 1000 - 1 कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें हमें गुणा करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अब हमें 1000 का 587 करना है और 1 का हमें 587 से करना है। देखिए चलिए करते हैं आगे, 587 का पहले गुणा करते हैं 1000, ठीक है, माइनस लगाते हैं, फिर करते हैं 587 माइनस वो मल्टीप्लाई 1, यानी कि अब ये आसान हो गया, यानी ये आसान हो गया, ये आसान हो गया, क्योंकि अब 0 का यानी 1000 का गुणा करने पर आसानी पड़ जाती है, ठीक है, यानी 1 का करने पर भी आसानी पड़ गई। यानी हमने इस क्वेश्चन को जो भी देखने में कठिन लग रहा था, गुणा बड़ा लग रहा था, इसको हमने मॉडिफाई करके आसान तरीके में कर लिया, ठीक है, करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, 587 में 1000 का गुणा किया तो आ जाता है 5, 8, 7, 0, 0, 0, ठीक है, माइनस 587 का बंद में करेंगे तो ये जाता है 5, 8, 7, ठीक है। अब देखिए ये आसान हो गया, हमें 587 00 में से हमें 587 घटाने होंगे, ये आसान से तरीका हो गया। देखिए करते हैं, यहाँ पे इधर घटा लेते हैं 587 00 00, और इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे 785, ठीक है, इसे हम इसमें घटा देंगे, हम माइनस का निशान लगा जाएंगे। देखिए 0 में से 7 जाएगा ना, इसलिए हम 0 को 10 मानेंगे, कितना मानेंगे, 10, यहाँ पे लिख लीजिए 10 में से 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, इसकी कैरी इनकी हासिल है उसी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो हासिल को हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए हमने 8 में 1 जोड़ा तो ये 9 हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखती, ये 9 हुआ है। अब हमें फिर से 0 है तो 0 में से हम 9 घटाना हुआ तो 0 को क्या मानेंगे, 10 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 0 को 10 मान लिया, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी एक कैरी है, यहाँ पर एक 1 बच कर कैरी है, उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 0 में से 6 जाएंगे नहीं, इसलिए हम 0 को 10 मानेंगे, ठीक है, यानी 10 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। यानी अभी भी इसकी एक कैरी होती है, बन होता है, उसे यहाँ पे लिख देंगे, तो 7 में से 1
चला जाएगा तो सिक्स बच जाएगी, एट ऐसा का ऐसा जाएगा, फाइव ऐसा का ऐसा जाएगा, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया फाइव एट सिक्स फोर वन थ्री, यानी ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखिए ये आसान से तरीके में था, हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये 587 गुणा 999 था, ये देखने में बड़ा लग रहा था कि हम इसका गुणा कैसे करेंगे, तो हमने इसे आसान तरीके में बदला। तो 999 थी, हमने उसे क्या लिख लिया, 1000 माइनस बंद कर लिया। बंद करने के बाद बस क्या रहेगा, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये किए हमने 587 में 1000 का गुणा कर लिया, फिर माइनस लगा दिया बीच में क्योंकि माइनस लगाना जरूरी था, लगता है। ठीक है, फिर 587 का 1 से गुणा कर लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर गुणा किया, गुणा करने पर 510 गुणा हो गया, माइनस 587 आ गया, गण से गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा करने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यह आंसर आ गया। ठीक है, ये हम क्या होता है कि जीरो में से सेवन जाएंगे नहीं, अगर बड़ी संख्या होती है नीचे, अगर ऊपर छोटी होती है तो छोटी में से बड़ी नहीं जाती, इसलिए हम छोटी संख्या को बड़ा माना जाता है, ये नियम होता है। ठीक है, मान के उसमें से इसे कटा देती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो यही हमारा आंसर है 5 8 6 4 1 3। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने अभी 9 किया था, हम 10 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, देखिए बराबर में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हमें भी ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, बस हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो 9999 इसकी मॉडिफाई करना है, जिसे हमें 10000 माइनस 1 करना है, वो एक वही तरीका है, उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए चलिए करते हैं, 7 2 5 1 9 मल्टीप्लाई पोस्ट करना 10000 माइनस 1। ठीक है, ये हमने कर लिया ऐसे, 9999 था उसके हमने 10000 माइनस 1 कर लिया। ठीक है, अब हमें इससे आगे गुणा करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। देखिए 7 2 5 1 9 मल्टीप्लाई 10000। ठीक है, इसे कोष्ठक में बंद कर दूँ, मल्टीप्लाई 7 सॉरी मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि हमने ये माइनस है बीच में। ठीक है, देखिए फिर 7 2 5 1 9 मल्टीप्लाई 1। चलिए ये हमने इसके 7 2 5 1 9। चलिए देखिए हमने अभी तक यहाँ पे क्या गुणा कर लिया था, गुणा करने के बाद फिर हम इसमें आगे करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए 7 2 5 1 9 0 0 0 0। ठीक है, देखिए हमने 7 2 5 1 9 में हमने गुणा कर लिया 10000 का। ठीक है, फिर इसका हम करते हैं 7 2 5 1 9 का कर दिया। ठीक है, देखिए गुणा करने के बाद ये आया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हम इसमें से इसे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे घटाते हैं 7 2 5 1 9 1 0 0 0 0, इसमें से हम घटा देते हैं 9 1 5 2 7। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। देखिए जीरो में से 9 जाएगा, इसलिए हम जीरो को 10 मानेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 अन यहाँ पे, अब इसकी कैरियर हम उसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैरियर उसे हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है, यानी अब इसकी कैरियर उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, ये 3 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी एक कैरी बच गई, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, ये फिर 1 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा,
सेविन ऐसा का है। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। यानी हमने इस में से इसको घटा दिया, इन बड़े में से छोटे को घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए सेविन 2 5 1 1 सेविन 4 8 1 ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते, ठीक है। अगर हमारे चलिए हम अब इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने मतलब 10वां क्वेश्चन किया था, तो हम अभी अब 11वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अगर ऐसे पहले के क्वेश्चनों में आपको भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन 2 0 5 6 मल्टीप्लाई 9 8 7, ठीक है। चलिए इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें भी हमें बिल्कुल वैसा का वैसा करना है जैसा हमने इससे पहले के दो और क्वेश्चनों में किया था। हमें जो 987 है इसको 1000 - 13 करना हुआ, ठीक है। 987 मिल जाएगा और इसे सॉल्व करना हुआ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं 2056 मल्टीप्लाई 1000 - 13, ठीक है। देखिए 987 - 13 कर दिया, मैंने 987 का 1000 - 13 कर दिया, ये इस तरह हो गया। चलिए अब इसको आगे करते हैं और गुणा करते हैं 02056 इसका मल्टीप्लाई किया 1000 से 1000, ठीक है। देखिए फिर हम करते हैं नेक्स्ट आगे 2056 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। चलिए इसका हम इससे करेंगे 2056 1 2 3 यानी 3 0 लग जाते हैं। देखिए अब इससे आगे करते हैं। हमने यहाँ तक अभी समझ लिया था कि हमने जो 987 को हमने उसे इस प्रकार विभाजित कर लिया था, मतलब 1000 - 13 कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद करने के बाद हमने गुणा कर लिया था, 1000 का कर लिया था इसमें, 13 का इसमें कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमें 13 का इसमें गुणा करना होगा। देखिए 13 का गुणा करने के लिए हमें 13 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे से उसे कर सकते हैं। देखिए चलिए करते हैं, हम यहाँ पे अलग करके देख लेती हैं 5056 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। देखिए हम इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 78 होते हैं, 78 की 8 हो जाएगी, ठीक है। 10 की 8 हो जाती है, 7 यहाँ पे हो जाता है। फिर अब 13 का करेंगे हम 5 से, 13 अपना 65 हो जाता है, ठीक है। 65 और 7 ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 की 2 आ जाएगी, 7 यहाँ पे लगा देंगे, 13 का यूज करेंगे तो 0 हो जाएगी, और 0 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 का ऐसा कैसा रहेगा। फिर 13 का हम 13 से करेंगे 26 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये गुणा करने पे आ गया, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो आपको टेबल याद करनी होगी, ये कंपलसरी। अगर आप शुरुआत में करते हो तो प्रैक्टिस किस प्रकार कर सकते हो कि आप 13 की टेबल को यहाँ पे लिख लो, जिस प्रकार मैंने इसे लिख लिया है। लिखने के बाद आप इससे कर लीजिए, क्या होता है एक दो बार में तो हमको हो जाता है, प्रैक्टिस करने के बाद हमें याद हो जाता है, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 6 7 2 8, ठीक है। इन गुणा करने के बाद ये आ गया। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे घटाते हैं 2056 0 0 0, ठीक है। इसको घटा देते हैं इसमें से 8 2 7 6 2, ठीक है। देखिए घटा देते हैं, 0 में से 8 जाएगा ना, इसलिए हम 0 को क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, कैरी यहाँ पे लगा देंगे, 3 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। 7 बच जाएगा, 10 में 3 जाएंगे तो एक कैरी आएगी, उसे हम यहाँ पे लगा देंगे, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, इसके कहाँ से यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 6 में से एक कैरी लगा दी तो 7 हो गए थे, 6 में से 7 तो जाएंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 6 को 16 मारेंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। इसकी एक कैरी है उसे हम यहाँ पे लगा देंगे,
टू और वन थ्री हो जाएंगे, तो फाइव माइनस थ्री जाएगा तो टू बचेगा, जीरो की जीरो और टू की टू ये आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर होगा टू जीरो टू नाइन टू सेवन टू, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए आपको एक बार समझ देता हूँ, सिंपल तरीका है कितने किया और 87। देखिए हमें क्वेश्चन दिया था 2056 मल्टीप्लाई 987 तो 987, 987 को हमने बिल्कुल पहले जैसे कर लिया, 1000 में से 13 घटा दिए तो 987 बच जाता है, इसको इस तरह मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, फिर इसका 1000 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2056 में और 13 का कर दिया 2056 में, यहाँ पर ये कर दिया, क्या कर दिया, फिर हमने 13 का अलग ही यहाँ पर गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद हमारा ये आ जाता है। ठीक है, देखिए ये हमने अलग ही गुणा कर लिया, इधर 13 का गुणा करने के बाद ये आ गया। ठीक है, फिर हमें 2056000 में ऐसे हमने 26728 को घटा दिया। ठीक है, घटाने के बाद हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, परेशानी होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और आपको एक बार बता दें, जब तक कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसलिए अपनी सेफ्टी का आप सब लोग ध्यान रखें, सैनिटाइजर मास्क और 2 गज की दूरी हमेशा अपने साथ रखें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।